विधानसभा के अंदर जब पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की तरफ से चुनकर गए थे तो शिवसेना के एक विधायक ने, शिवसेना के एक लीडर ने हमसे पूछा था, दो ही तो है ये 288 का ऐवान है, 288 लोग विधानसभा के अंदर बैठते हैं, बहुमत तो हमारा है, शिवसेना का है, भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस वाले इतने हैं, तुम तो दो ही हैं। मैंने कहा जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियों की गिनती नहीं होती, शेर के बच्चे देखे जाते हैं, शेर के बच्चे कितने हैं इनका हिसाब किताब रखा जाता है। जंगलों में जब सेंसस के लिए जाते हैं तो दूसरे जानवरों की गिनती नहीं होती है। मेरे भाई असद भाई तो अकेले थे और अकेले इतने सालों से लड़ रहे, ऐसा बैठ जाइएगा हमारी भाई और बहनों को बैठिए। हम यहाँ पर आज लाए हैं तो आप लोगों के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड्डू भाई है, मैं सिर्फ अपनी माओ और बहनों की दुआएं लेने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि अगर जिस शख्स को अपनी माए और बहनों की दुआएं हासिल है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, ये हमें यकीन है। और यही यकीन की बुनियाद के ऊपर जहां मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हैदराबाद से अपना सफर शुरू करी, उसके बाद महाराष्ट्र और अब बिहार, पिछले 10 दिनों से बिहार की गलियों में इसी तरह के चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं लेकर लोगों के घरों में जा जाकर हम अपनी झोली फैला रहे और लोगों से वादा ले रहे, आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर रहे, इतने सालों तक आपने अरे गैरों को अपनाया है, एक बार शेर की सवारी भी करके देखिए मेरे भाई। कब तक हम इनके बहकावों में आते रहेंगे? ये वही लोग हैं जो आपके बीच में आज भी आ रहे हैं। मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो एक गाड़ी जा रही थी, अरे राहुल बाबा आ रहे हैं, उनका भाषण सुनने और लोग हो, राहुल गांधी भी भाषण देते हैं, वाह राहुल बाबा। किसी ने एक स्टेज पे असद साहब को बुलाओ, 10 मिनट तुम बोलो, 10 मिनट असद साहब को बोलने दो, समझ में आएगा बोलना किसको बोलना। तो आज यही लोग आप लोगों के बीच आ रहे, आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे कि अगर इस गठबंधन को वोट देंगे तो किसको फायदा होगा, इजहार अशरफी साहब को अगर वोट देंगे तो कैसे उनके वोटों का बंटवारा होगा, यही हिसाब किताब बताकर आपको उलझन में डालने की कोशिश की जा रही है, आपके अंदर एक भ्रम तैयार किया जा रहा है, आंकड़ों के साथ आपको समझाया जा रहा है। और कोई गैर नहीं, ये काम का ठेका मुसलमानों के ही कुछ दलालों को दिया जाता है कि जाओ और इस कौम को बांटने का। जब वो आए आपके पास समझाने के लिए, उनको एक बात जरूर कहना, मैं 74 साल से तुमको सुनता आया हूँ, तुम जैसे जैसे बोलते थे मैं पढ़ता आया, तुमने जो पढ़ा बोला मैंने सुना, तुम बोलते गए मैं सुनता गया, अब मंडली सारी है मैदान में, अब मैं बोलूंगा तेरे बात में भी सुनना पड़ेगा। तब तक सुनते रहेंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे, इस दौर में जीना है हमें देखने को मिल रहा है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन
कमजोरी मत समझना, सर झुका के चलते हैं तो सिर्फ बहुत थोड़ा से लड़ना हमको भी आता है, लेकिन मैं यहाँ के नौजवानों से अपील करना चाहूंगा, 7 तारीख तक आपको हर तरह से छेड़ने की कोशिश की जाएगी। माहौल को खराब करो, इनका वोटिंग परसेंटेज कम कराओ, ये लोग घरों के बाहर वोट करने के लिए निकले ही नहीं, ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, आपको छेड़ने की कोशिश की जाएगी। 7 तारीख तक सब बर्दाश्त करो मेरे भाइयों, एक बात समझ लो, मजलिस वो जमात है जो किसी को खुद से छेड़ती नहीं है, लेकिन कोई हम जब छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं। आज इतने सालों के बाद यकीन है बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के बीच में तकलीफ होगी ही, और इसलिए होगी कि वो ये समझते थे कि ये कौन मुसलमान दलित पिछड़े वर्ग, ये इनकी जागीर है, इनका काम तो बस ये है कि हर 5 साल के बाद इनकी महफिलों में हम आएंगे, कहेंगे कि वोट लो और हम देखते आए गए। हमने किया जिसके 70-74 सालों के अंदर उन्हीं को वोट दिया। आज से 5 साल पहले जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तहसील मंदाबाद बिहार के अंदर आए, उन्होंने चीख चीख कर कहा, आप लोगों को गिड़गिड़ाकर उन्होंने ये कहा कि आप जिस गठबंधन को वोट देने के लिए जा रहे हैं वो आपको धोखा देने वाला है। नतीजा क्या हुआ? जिस गठबंधन को आपने इसलिए दिया कि मोदी को दूर रखना है, जिसको आपने वोट दिया वो जाकर नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गया। यही डर हमें 5 साल पहले भी था, और आज ये तमाम ताकतें एक साथ मिल गई है, ये पूरी ताकतें एक हो गई है। आरजेडी वाला कहता है अगर मैंने हार गया चलेगा, जेडीयू भाजपा जीत गया चलेगा, जेडीयू वाला आपको ये कहेगा कि मैं हार गया चलेगा, आरजेडी जीत गया चलेगा, लेकिन 32 में जीतना नहीं चाहिए। अरे उन्हें ये क्या पता है कि अगर ऊपर वाले ने तय कर दिया है कि हमारा किसी को जिताना है तो सारी ताकतें बताओ। Yeah.